हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरे यूट्यूब चैनल का 14वां वीडियो है ऑनलाइन क्लास का, और ये मॉडल मेरा 4 है, साइट टू साइट कनेक्शंस, सो फोर्स फायरवॉल वर्जन 18.5 ET8003। और चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सॉरी, मैं यहाँ पे हाईलाइटर इनेबल कर लेता हूँ। तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था साइट टू साइट कनेक्शन, इसमें साइड टू साइड ऑप्शंस क्या क्या हैं, वीपीएनस क्या हैं, वीपीएन जोन क्या है, उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी। और अब मेरा ये यूट्यूब का इस मॉड्यूल का दूसरा वीडियो है, जिसमें मैंने एसएसएल वीपीएन के ऊपर टॉपिक में ले आया हूँ, जिसमें मैं इसका ओवरव्यू बताऊँगा और कॉन्फिगेशन बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ट्यूटोरियल में वीडियो को। तो एसएसएल वीपीएन है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो एसएसएल वीपीएन में गाइज होता क्या है कि एसएसएल वीपीएन है क्लाइंट इनिशिएट कनेक्शन विथ सर्वर। तो कोई भी क्लाइंट हो, जो जैसे कोई सेल्स का बंदा है जो आपके बाहर आउटडोर में काम करता है, और वो आपका कोई सेल्स का कोई एक ऐसा सर्वर या एप्लीकेशन है जिसको उस बंदे को बाहर से एक्सेस करना है, तो उस केस में होगा क्या कि उसको एक्सेस चाहिए, या तो आपके इतनी बड़ी लाइन केबल हो जो 200-300 किलोमीटर की दूरी पे हो, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि सोफोस का एसएसएल वीपीएन टूल्स है, या एक उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ जिससे हम कॉन्फ़िगरेशन करके उस लैपटॉप में, उस मतलब जो यूजर का क्लाइंट है, उस क्लाइंट के अंदर हम एसएसएल वीपीएन सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर देंगे, जिसमें यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, जैसे इंटरनेट से किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट होगा, और जब यूजर नेम पासवर्ड वो डालेगा तो डायरेक्टली वो आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा, और उस यूजर को एक वर्चुअल आईपी भी असाइन हो जाएगी जो आप अपने फायरवॉल से असाइन करेंगे। तो इस सिनेरियो में यही बताया गया है कि हेड ऑफिस सोफोस फायरवॉल सर्वर फॉर एसएसएल वीपीएन साइट विथ स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस। अगर मैं और इसमें एक पॉइंट और है कि आप एसएसएल वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अपने फायरवॉल पे, तो आपको स्टैटिक आईपी होना जरूरी है। अगर मैं आपका स्टैटिक आईपी नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन सेटअप नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब कोई रिमोट से बंदा कोई लॉगिन करता है जब आपके फायरवॉल को रीच करने के लिए, तो उस सर्टिफिकेट के अंदर एक आपकी स्टैटिक आईपी होती है, और अगर वो आईपी बार बार चेंज होगी तो कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि डायनेमिक आईपी के ऊपर कैसे कम्युनिकेशन हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको एक स्टैटिक आईपी होना आपके फायरवॉल पे जरूरी है। तो यहाँ से ब्रांच ऑफिस सोफोस फायरवॉल क्लाइंट फॉर एसएसएल वीपीएन, तो साइट विद डायनेमिक पब्लिक आईपी एड्रेस, इस साइट पे आपको, यहाँ पे इस साइट पे आपके पास डायनेमिक आईपी रहेगा तो चल सकता है, बट यहाँ पे स्टैटिक आईपी होना चाहिए। यहाँ से जब कोई भी यूजर से कनेक्शन इनिशिएट करेगा यूजर नेम पासवर्ड डाल के, तो उसका कनेक्शन यहाँ से इनिशिएट होकर टनल बनेगा, आपके फायरवॉल पे लैंड करेगा, और जब फायरवॉल पे लैंड करेगा तो उसके बाद जो भी आपका एंड पॉइंट डिवाइसेस होगा, जो भी आपने डिवाइस रखी होगी कि कोई भी बंदा कनेक्ट होगा तो उसको ये, इस यूजर को ये वाला सर्वर एक्सेस होना चाहिए, उसको ये एप्लीकेशन होना चाहिए, तो एज पर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से फ्लो में चला जाएगा। तो मतलब मेरा यही कहना है कि अगर आप एसएसएल वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन अपने फायरवॉल में नेटवर्क में प्लान कर रहे हैं बनाने के लिए, तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, आपके पास फायरवॉल होना चाहिए, लाइसेंस एक्टिवेट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक स्टैटिक आईपी होना चाहिए। आप किसी भी आईएसपी का इंटरनेट यूज करते हो, विदाउट स्टैटिक आईपी एड्रेस एसएसएल वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन इम्पॉसिबल है। तो गाइस, इसमें मैं यही आपको समझाना चाहता था कि ये क्या होता है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसका रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट बेसिकली तब आता है जब आपके पास 15-20 इंप्लॉय है जो रिमोट साइड में काम करते हैं, और वो कंटिन्यू रिपोर्ट करते हैं, या कोई मशीन को एक्सेस करते हैं, या कहीं किसी क्लाइंट के पास जाते हैं और वहाँ से सर्वर में कुछ डेटा फीड करना है, तो इसका टूल्स का हम यूज करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो जब हम एसएसएल वीपीएन क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शंस है क्रिएटिंग एन एसएसएल वीपीएन, एसएसएल वीपीएन आर कॉन्फ़िगर्ड इन कॉन्फ़िगर वीपीएन, आपको वीपीएन में जाना है, वीपीएन में एसएसएल वीपीएन जाना है, और साइड टू साइड, तो आपको एसएसएल वीपीएन जाना है। जब एसएसएल वीपीएन जाएंगे कॉन्फ़िगर सर्वर, तो आप यहाँ पे अपना डिटेल डाल दीजिए, न्यूयॉर्क जो भी है, स्टैटिक आईपी एड्रेस है या वर्चुअल आईपी एड्रेस है, तो यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिटेल फिल कर दीजिए, और फिर पियर कर लीजिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स आ जाएगी और आप यूज कर सकते हैं इसको, अपलोड ये क्लाइंट में आपको करना पड़ेगा, जो भी क्लाइंट के पास, जिस क्लाइंट में आप इंस्टॉलेशन के लिए कर रहे हैं, जैसे मेरा ही लैपटॉप, तो मुझे अपने लैपटॉप में ये वाली फाइल अपलोड करनी पड़ेगी और ये यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकता हूँ। बहुत सिंपल है गाइस, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप एक बार इसको यूज करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।